हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं रेनॉल्ट काइगर के नॉन टर्बो वेरिएंट के बारे में। ये नॉन टर्बो वेरिएंट का टॉप मॉडल है, यानी कि RX-Z, और इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 7,55,000 रुपये। अगर बात करें इसके इंजन के बारे में, इसमें मिलता है आपको 1000 cc का नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि जनरेट करता है 72 PS की पावर, 96 Nm का टॉर्क। अगर सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे 4 एयरबैग, ABS, EBD। तो शुरुआत करते हैं अब इस गाड़ी के फ्रंट से। तो फ्रंट में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर LED DRL, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर इंडिकेटर, या नीचे आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी LED हेडलाइट्स। ये तीन पार्ट में हेडलाइट्स आपको दी गई है, नीचे कोई भी फॉग लैंप का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इसके फ्रंट ग्रिल की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे क्रोम इंसर्ट, सेंटर में बड़ा सा रेनॉल्ट का लोगो, और सिल्वर कलर के अंदर आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि गाड़ी की जो फ्रंट प्रोफाइल है वो कितनी शानदार लग रही है, बिल्कुल माचो लुक में काइगर यहाँ पे लग रही है। अब चलते हैं इस गाड़ी के टायर प्रोफाइल की तरफ और बात करते हैं इस वेरिएंट में आपकी क्या टायर प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाती है। तो इसके अंदर मिलती है आपको 195/60 R16 अलॉय व्हील्स। फ्रंट के दोनों टायर्स में आपको इसमें देखने को मिलेंगे डिस्क ब्रेक, और रियर टायर में आपको देखने को मिलेंगे ड्रम ब्रेक्स। यहाँ फेंडर के ऊपर आपको RX-Z की बैजिंग मिल जाएगी। पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ आपको देखने को मिलेंगे ORVMs विद LED टर्न इंडिकेटर्स। अब इसकी साइड प्रोफाइल जो है वो आपको मैं कंप्लीट लुक दिखा देता हूँ सिल्वर कलर के साथ। तो आप देख सकते हैं कितनी शानदार यहाँ पे गाड़ी देखने में लग रही है। इसमें जो आपको रूफ रेल्स मिल जाती है, आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ रूफ रेल्स मिलती है, जिसकी 50 kg पेलोड कैपेसिटी है। आपको जो रूफ देखने को मिलेगी ये ब्लैक कलर की मिलेगी, और ऊपर रूफ में आपको देखने को मिलेगा एक ब्लैक कलर का शार्क फिन एंटीना। अब इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ चलते हैं और बात कर लेते हैं बैक प्रोफाइल में क्या क्या फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस गाड़ी का स्पॉइलर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेंटर में एक हाई स्टॉप माउंट लैंप, बैक ग्लास में आपको देखने को मिलेगा डिफॉगर, रियर वाइपर, और यहाँ पे प्लेस किया गया है रियर वॉशर। सेंटर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेनॉल्ट का लोगो, और इसी के अंदर आपको मिलेगा एक रिवर्स पार्किंग कैमरा। यहाँ पे काइगर की बैजिंग करी गई है। यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके अंदर LED टेल लाइट्स, और ये आपका इंडिकेटर भी यहाँ पे प्लेस है। अब बात करते हैं इसके बैक बम्पर की, तो डुअल टोन आपको बैक बम्पर यहाँ पे देखने को मिलता है सिल्वर और ब्लैक फिनिशिंग के साथ। 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, और दोनों ही साइड आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर रिफ्लेक्टर्स। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि काफी शानदार है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इस गाड़ी की लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल, ताकि आपको एक कंप्लीट इसका जो व्यू है, एक लुक है, वो सिल्वर कलर के अंदर मिल सके। काफी शानदार लग रही है गाड़ी सिल्वर कलर के अंदर। आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको सिल्वर कलर ज्यादा पसंद आया है, ब्लू, या इसका जो ब्राउन कलर है। अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में, और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की की। तो इसमें मिलती है आपको रिमोट की, इसके अंदर आपको 4 बटन्स मिल जाएंगे, लॉक, अनलॉक, बूट ओपन करने का, और एक आपका लाइट ओपन करने का। अब जैसे ही इस गाड़ी के मैं पास जाता हूँ तो ये गाड़ी अपने आप ही अनलॉक हो जाती है। यहाँ आपको इस ड्राइवर साइड डोर में चारों पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं, डोर लॉक, अनलॉक। यहाँ से आप अपने RVMs को एडजस्ट कर सकते हैं, और इस बटन से आप इसको लॉक कर सकते हैं। अब एक चीज जो मैं आपको इस डोर के अंदर दिखाना चाहूंगा, ब्लैक और ग्रे कलर की फिनिशिंग के साथ ये डोर यहाँ पे अवेलेबल है। नीचे आपको इसमें स्पीकर मिल जाता है, बोल्टर होल्डर का स्पेस मिल जाता है। अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में और बात करते हैं इसके इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। तो जो ड्राइवर साइड सीट है आपकी, वो हाइट एडजस्टेबल यहाँ पे आपको दी गई है। फ्रंट के जो दोनों सीट्स हैं उसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। अब बैठते हैं इसकी ड्राइवर साइड सीट पे और बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो जो इसका स्टेयरिंग है वो आपको टिल्ट एडजस्टेबल स्टेयरिंग मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कॉल कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, और राइट हैंड साइड पे जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं ये आपकी MID के ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप अपनी MID में देख सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब कि आपकी गाड़ी ट्रिप ए में कितनी चल चुकी है, ट्रिप बी में कितनी चल चुकी है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो फिलहाल इसकी जो MID है उसको ऑन कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी 7 इंच की TFT डिस्प्ले, जिसके कंट्रोल्स आपको राइट हैंड साइड पे मिल जाते हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी ट्रिप ए में कितनी चल चुकी है, ट्रिप बी में कितनी चल चुकी है, क्या एवरेज इसकी फ्यूल इकोनॉमी है, ये सब चीज। स्टेयरिंग के अंदर आपको जो ऊपर का अपर ये पार्ट है ये आपको लेदर रैप्ड मिलता है, और इसके अलावा जो आपका बचा हुआ पार्ट है वो आपको नॉर्मल प्लास्टिक में मिल जाता है। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिलेंगे, जो कि आपकी ग्रे कलर की फिनिशिंग के साथ हैं। अब बात कर लेते हैं और क्या क्या फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं रेनॉल्ट काइगर के नॉन टर्बो वेरियंट में। तो इसके अंदर मिलती है आपको 8 इंच की
टच स्क्रीन जिसके अंदर आपका वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पर कार प्ले मिल जाता है। आपको इस वेरिएंट के अंदर चार स्पीकर्स मिलते हैं, चार ट्विटर्स मिलते हैं और जो फ्रंट के ट्विटर्स हैं उनकी जो प्लेस है वो यहाँ पे करी गई है कॉर्नर में। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये दो आपके ट्विटर्स हो जाते हैं फ्रंट में। इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे आपका बटन मिल जाता है आपका पुश बटन स्टार्ट, ये आपका एक यूएसबी पोर्ट हो जाता है, यहाँ पे स्पेस दिया गया है मोबाइल वगैरह रखने के लिए और नीचे भी यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। यहाँ आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का जो रिवर्स कैमरा है वो कैसा है। तो ये क्वालिटी आपको इसके रिवर्स कैमरे की यहाँ पे देखने को मिल जाती है। 360 डिग्री कैमरा एंगल का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, नॉन टर्बो वेरिएंट है और इसकी पहचान भी यही है कि इसका जो रिवर्स है वो ऐसे है, टर्बो में ऐसे नहीं है। टर्बो में आपको अगर बैक जाना है तो आपका ये है फिलहाल। और क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है, अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी लाइट ऑन होती है और दोनों साइड जो इसके डोर हैंडल्स हैं यहाँ पे ये लाइट ऑन हो जाती है। अब इसको ऑफ करते हैं। तीन मोड्स आपको इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं, इको मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड। अभी ये गाड़ी नॉर्मल मोड में है, अभी ये गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है आपकी इको मोड में और जब आप इसको स्पोर्ट्स मोड में सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे आरपीएम मीटर देखने को मिल जाता है। अभी बात कर लेते हैं और क्या क्या फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ आईआरवीएम आपको दिया गया है जो कि आपका मैनुअल आईआरवीएम है। यहाँ ऊपर रूफ में आपको एक लाइट मिल जाती है, ये आपको को पैसेंजर साइड एक वैनिटी मिरर मिल जाता है और जो आपका ड्राइवर साइड है यहाँ पे भी आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है। फिक्स ग्रैब हैंडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके ग्लोव बॉक्स की। तो दो ग्लोव बॉक्स यहाँ पे आपको रेनॉल्ट ऑफर करता है काइगर के अंदर। एक तो ये आपका अपर वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे एक ग्लोव बॉक्स आपको दिया गया है और एक यहाँ पे आपको लोअर पार्ट में भी एक कूलिंग ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। अब और क्या क्या चीजें दी गई हैं जिनकी वजह से ये गाड़ी काफी शानदार लग रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट मिल जाते हैं, गेयर जो आपका गेयर लीवर है इस पर भी आपको लेदर फिनिशिंग मिल जाती है, हैंड ब्रेक इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे लेदर फिनिशिंग मिलती है, सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है जिसके अंदर काफी बड़ा स्टोरेज अवेलेबल है। और ये मैंने जब भी देखा तो मुझे यही फील होता है कि जो टाटा नेक्सॉन है ये उससे इंस्पायर्ड है, कुछ उसी तरह की लुक्स यहाँ पे इसको दी गई है। अब बात करते हैं इसकी फ्रंट जो ड्राइवर साइड सीट है इसकी क्या कुछ क्वालिटी है, इसकी कितनी अंडर थाई सपोर्ट है। तो इस गाड़ी में जो अंडर थाई सपोर्ट है ड्राइवर साइड की, ये मेरे को थोड़ी सी कम लगी है। मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है। जब आप शोरूम में जाके विजिट करें तो इस बात पे गाड़ी में बैठते आना नोटिस जरूर करें कि अंडर थाई सपोर्ट आपको भी कम लगी है क्या इसकी ड्राइवर साइड सीट की या नहीं लगी है। बट अभी बात कर लेते हैं इसके रियर सीट की। तो फ्रंट की जो सीट है वो मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है और अब चलते हैं इस गाड़ी के रियर सीट की तरफ और बात करते हैं इसके रियर सीट स्पेस के बारे में। तो जो इस गाड़ी का रियर डोर है ये उसकी कुछ फिनिशिंग है ब्लैक और ग्रे फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे आपको पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, नीचे बोटर होल्डर का स्पेस, ये आपका स्पीकर हो गया। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की रियर सीट। तो रियर सीट में आपको दोनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और सेंटर में यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है दो कप होल्डर के स्पेस के साथ। यहाँ पे आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। और अब गाड़ी के अंदर बैठ के दिखाता हूँ आपको कि कितना स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो स्पेस काफी अच्छा अवेलेबल है, यहाँ पे नी रूम काफी अच्छा मिल रहा है मुझे और लेग रूम भी। और अंडर थाई सपोर्ट जो है यहाँ पे रियर सीट की वो फ्रंट सीट के मुकाबले काफी अच्छी है। रियर सीट पे कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यहाँ सेंटर में आपको दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं, नीचे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। और अब आपको फिनिशिंग दिखाता हूँ कि जो इसका डैशबोर्ड है, इसका कैबिन है, उसके क्या कुछ लुक्स आपको देखने को मिलती हैं। एक चीज और कि ड्यूअल टोन डैशबोर्ड आपको यहाँ पे ऑफर नहीं किया गया है, चाहे आपकी गाड़ी नॉन टर्बो वेरियंट हो चाहे टर्बो वेरियंट हो, सबके अंदर सेम क्वालिटी और सेम कलर का आपको डैशबोर्ड मिल जाता है। यहाँ पीछे सेंटर में आपको रूफ में मिल जाती है एक लाइट, दोनों ही तरफ आपको देखने को मिलेंगे फिक्स ग्रैब हैंडल्स। अब स्पेस की अगर बात करें कि पीछे कितने बंदे आराम से बैठ सकते हैं, तो ऑलरेडी चैनल के ऊपर उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, अगर आप देख सकते हैं वहां जाके उस वीडियो में 3 बंदे बिठा के मैंने वो टेस्ट किया था, तो वहां पे जो स्पेस उनको मिल पा रहा था वो वीडियो आप जाके जरूर देख सकते हैं, मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। और अगर वैसे मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं कि रियर जो सीट है उसकी, इसका कंफर्ट लेवल कैसा है, तो जो हेडरेस्ट है वो एकदम एक्यूरेट जगह पे प्लेस किए गए हैं, जो रिक्लाइन एंगल है वो भी काफी अच्छा है गाड़ी का, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अब आपको दिखा देता हूँ और क्या चीज है पीछे। तो यहाँ पे आपको एक रियर पार्सल ट्रे मिल जाती है, बट गाड़ी के जैसे प्राइसिंग लॉन्च करी गई है उस हिसाब से ये गाड़ी ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जो इसके मटेरियल है यानी कि जो इसकी फिट एंड फिनिश है,
वो मुझे मैग्नाइट से काफी अच्छी लगी है। आप भी पर्सनली शोरूम पे जाके विजिट कीजिए और नोटिस कीजिए, और खुद भी जाके देखेंगे आप, तब आपको इस बात का पता लगेगा कि हाँ वाकई में इस गाड़ी की जो फिट एंड फिनिश है वो मैग्नाइट से ज्यादा अच्छी रखी गई है। अब इस गाड़ी का बूट करते हैं ओपन और दिखाता हूँ आपको कि बूट में कितना बड़ा स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 405 लीटर का बूट स्पेस, आप देख सकते हैं काफी बड़ा बूट स्पेस ये है। मैग्नाइट में 336 लीटर का मिलता था, उससे बड़ा बूट स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। और जो आपकी रियर की सीट है इनको आप 60-40 स्प्लिट में फोल्ड करके इस बूट को और भी बड़ा बना सकते हैं। जो इसके स्पेयर टायर एक बार वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें मिलता है आपको 185/65 R15 स्टील व्हील, जो कि आपका एक प्रोफाइल छोटा टायर है। तो ये रेनॉल्ट काइगर का स्पेस था। फिलहाल इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं और बात कर लेते हैं रेनॉल्ट काइगर के बारे में। तो दोस्तों, आपके पास मार्केट में इसका एक और कॉम्पिटिशन अवेलेबल है, यानी कि निसान मैग्नाइट। और दोस्तों, दोनों ही गाड़ियां सेम प्लेटफॉर्म पे हैं, सेम इंजन शेयर करती हैं, बस कंपनियां अलग अलग हैं, वो निसान है और ये रेनॉल्ट है। उस गाड़ी के अंदर आपको एक दो फीचर एक्स्ट्रा मिल जाता है, जैसे कि आपका 360 डिग्री कैमरा हो गया, वो इसमें आपको ऑफर नहीं किया गया है। बट उस गाड़ी के अंदर दो एयरबैग थे और इसके अंदर चार एयरबैग है, तो सेफ्टी इसके ज्यादा रखी गई है। तो वो आपकी मर्जी है, आप दोनों ही गाड़ियों को शोरूम पर जाइए, विजिट कीजिए, टेस्ट ड्राइव भी इनकी शुरू हो चुकी है, तो आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं गाड़ियों की और अपनी पसंद के हिसाब से चूज कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी डाउट है रेनॉल्ट काइगर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और दोस्तों, अभी वीडियो एंड करते हैं, वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।